इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। यहाँ पे अगर आप सीएससी वैली हैं तो आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ई श्रम कार्ड में जो एरर आ रहा है, आज एक न्यू एरर आ रहा है, तो यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं कि कैसे हम ई श्रम कार्ड का अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम अपने सीएससी पैनल पर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या एरर आ रहा है। तो हम अपने सीएससी पैनल पर लॉगिन है, आप भी अपने सीएससी पैनल पर लॉगिन हो जाएं। उसके बाद आपको सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है ई श्रम। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे ई श्रम, उसके बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आना है सीएससी थ्रू सीएससी पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एरर आता है हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसका क्या सोल्यूशन होगा सारा डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे नेट बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन आपको ई श्रम की वेबसाइट में ही कुछ काम चल रहा है इस तरह से। यहाँ पे पिछले दिनों में अच्छा चल रहा था लेकिन यहाँ पे आज फिर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई हैं, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए न्यू टैब हमने लिया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करा है लेकिन कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या एरर आने वाला है यहाँ पे हम सारे डिटेल्स में आपको दिखाएंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ पे आवर सर्विस और नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वी आर वर्किंग टू रिस्टोर आवर सर्विस एज सून एज पॉसिबल, प्लीज चेक बैक सून। यहाँ पे ये एरर आ रहा है और नीचे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस एरर को हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम को रिस्टोर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको फिर से अपने सीएससी पैनल पर लॉगिन होना है। उसके बाद आपको जो दूसरा एरर आता है या फिर नहीं आता है हम सारे डिटेल्स में आपको आगे वाले स्टेप में बताएंगे। तो यहाँ पे हम अपने सिस्टम से सारा चीज़ बंद कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देंगे, सारा चीज़ यहाँ पे क्लोज कर देंगे एक एक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देना है और अपने सीएससी पैनल से लॉग आउट हो जाना है। यहाँ पे लॉग आउट होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे इसको भी कट कर देना है और आपको रिफ्रेश करके आपको अपने सिस्टम को रिस्टोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है, तो इसको हमने कुछ टाइम के लिए इस वीडियो को हम स्किप कर रहे हैं ताकि हम इसको रिस्टोर्ट कर सकें। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। उस वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर अपने सीएससी पे लॉगिन होकर आपको दिखाते हैं एरर सही होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्किप करते हैं। वीडियो को स्किप करने से पहले हम आपको बता दें कि अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे शट डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन स्टेप मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहला स्लिप, उसके बाद शट डाउन, यहाँ पे रिस्टार्ट मिल जाएगा। तो आपको रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। अब हम अपने सीएससी पैनल पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके हम देखेंगे ई श्रम कार्ड की वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही होगी तो हम यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे और अगर नहीं चल रही होगी तो हम उसको कैसे फिर से समाधान करेंगे सारा डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सीएससी पैनल पर अपने लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे हम ई श्रम की वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे ई श्रम की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है श्रम। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो अगला इंटरफेस आता है, यहाँ पे हमने ई श्रम की वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आएगा, अगर वो एरर आता है तो हम अगले स्टेप में जाएंगे और अगर नहीं आएगा तो यहीं से हम अपना रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे। तो हम इसको वेट कर लेते हैं, ये सर्वर की प्रॉब्लम है या फिर इसी साइट की प्रॉब्लम है। सर्वर की तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नेट सही चल रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है साइट में, इसकी वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से सही हो जाए जिस तरह से पिछले दिनों में हुआ था और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ रहा है, यहाँ पे आवर सर्विस और नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यहाँ पे वही चीज़ वही एरर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम फिर से यहाँ पे लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद अपने इस फायरफॉक्स की जो हमारा ये वेबसाइट है, जो हमारा ब्राउजर है, इसको हम अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको सारा चीज़ यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं और अपने सीएससी पैनल से लॉग आउट हो गए हैं। यहाँ पे लॉग आउट होने के बाद आपको अपने सीएससी पैनल पे आना है और यहाँ पे लॉग आउट होने के बाद फायरफॉक्स ओपन कर रखना है
और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, उसके बाद यहाँ के जनरल पे ही आपको पहले ऑप्शन पे ही मिल जा रहा है अपडेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जनरल पे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सो अपडेट हिस्ट्री और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट। तो आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप सो अपडेट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, उसके बाद क्लोज कर देंगे और यहाँ पे चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट चूज इंस्टॉल थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको इस जो आपका ये फायरफॉक्स है ये अपडेट हो चुका है पूरी तरह से। और अगर आपको इस तरह से ना हो, सर्च सही ना हो, तो आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फिर से लॉगिन करेंगे और अपने सीएससी पैनल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और अपने ई श्रम कार्ड पे आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी आना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आना है और यहाँ पे आपको ऑटोफिल लॉगिन और आपको नीचे आना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जनरल पे आना है और इसको कट कर देना है सेटिंग को। उसके बाद आपको अपने सीएससी पैनल पे लॉगिन कर लेना है। अपने सीएससी पैनल पे लॉगिन होने के बाद आपको ई श्रम की वेबसाइट पे चल जाना है और यहाँ पे आपको फिर आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आता है तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा आ गया है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग और यू आर नॉट ऑथराइज्ड। यहाँ पे आज से बहुत सारे यूजर के पास ये चीज़ आ रहा है, जितने भी सी एस सी वेली हैं वो सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे सी एस सी वेली के साइड पे यही चीज़ आ रहा है, जितने भी श्रम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं सारे लोगों के पास यही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वर की ही प्रॉब्लम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है, फिर उसके बाद ये सही हो जाएगा। जैसे ही सही हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आता है या कोई भी अपडेट आता है सीएससी के थ्रू या ई श्रम कार्ड के थ्रू, अगर रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से सारे यहाँ पे आप विंडो को भी अपडेट कर सकते हैं और अपने ये लैपटॉप को जो जिसमें आप कर रहे हैं उसको भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। हमने सारा कुछ करके देख लिया लेकिन कहीं भी कोई भी सलूशन नहीं है, यानी कि साइट में ही प्रॉब्लम है, इस श्रम की वेबसाइट से ही दिक्कत है। यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी सही हो जाता है हम आपको अपडेट दे देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।